है ना, तो जब बाजार तेजी की ओर होता है तो वहां कोई भी कुछ चीजें खरीदे तो वो अपने को स्टार ही समझेगा भैया। जैसे किसी ने टाटा मोटर्स को भागते हुए खरीदा तो वो अपने को स्टार ही समझ रहा है उस टाइम कि भैया मैंने खरीदा, ऊपर जा रहा है, मजा आ रहा है। भैया आगे भी गिरावट हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट करना हर एक के बस की बात नहीं है, ये आप समझ लेना। इन्वेस्टमेंट करना सच में लाजमी हर एक के बस की बात नहीं है। मैं किसी कंपनी के अंदर कोई स्टेक लूंगा, मान लो मैं ले रहा हूँ और आपको पता लग रहा है आप भी वही शेयर ले रहे हो, क्या आपने मुझे रोका कि मैं कब बेचूं ना बेचूं? बता दूं कि हम क्या करते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी जब पहले थे तो भैया उनकी कौन कौन सी कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट है, या उनकी वाइफ का आप किस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या राधाकृष्ण धमानी कितनी अंदर हमारे वो पोटेंशियल है जो हम बाजार की रणनीतियों को तब भाप रहे थे जब बाजार तेजी की हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर दो बंदरगाह वाले कंपनियों के बारे में, JSW इंफ्रा और अडानी पोर्ट के बारे में बात करेंगे। पटेल इंजीनियरिंग के शेयर बेचकर स्टार विजय केडिया जो हमारे हैं इन्वेस्टर हैं, जो वो चाइना की ओर रुख उन्होंने कर लिया है ना, कुछ क्या चीज़ें आगे उन्होंने की है उसके बारे में बातचीत हम करेंगे। और बात करेंगे 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है और उसका असर, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भैया भारत और अमेरिका के व्यापार की चीज़ों में प्रभाव पड़ सकता है, तो उन नीतियों को भी देखेंगे। और तमाम जो शेयर गिर रहे हैं सबके पोर्टफोलियो रेड तक की तरफ हैं। इसने एक चीज़ ये जता दी कि सबके चार्ट फेल हो गए हैं, सबकी वो नीतियाँ फेल हो गई हैं, सबके वो फॉर्मूले फेल हो गए हैं जिस फॉर्मूले से वो कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब बाजार गिरने की ओर होता है उस वक्त हमारी कितनी अंदर हमारे वो पोटेंशियल है जो हम बाजार की रणनीतियों को तब भाप रहे थे जब बाजार तेजी की ओर था, है ना। तो जब बाजार तेजी की ओर होता है तो वहाँ कोई भी कुछ चीज़ें खरीदे तो वो अपने को स्टार ही समझेगा भैया। जैसे किसी ने टाटा मोटर्स को भागते हुए खरीदा तो वो अपने को स्टार ही समझ रहा है उस टाइम कि भैया मैंने खरीदा, ऊपर जा रहा है, मजा आ रहा है। देखा ये जाए ना कि अगर टाटा मोटर्स का हम वर्क समझ जाएं, उसकी नीतियां देश विदेश की समझ जाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों की चीज़ों के बारे में समझ जाएं, और अपने में विस्तार जिस तरीके से वो आगे के लिए कर रहा है उस चीज़ को समझ जाएं तो वहाँ वो नीतियाँ अलग हैं। पर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की नीतियां ना समझकर वो तेजी की चीजों को भाप कर चल रहे थे। तो आज अगर हम ये चीज देखें, अपने हाई से करीब 355 रुपए शेयर टाटा मोटर्स का ही नीचे है, जिसके ऊपर काफी लोग गुणगान भी गा रहे थे जब वो तेजी में था। तो बड़े लोगों को तो पता है कि क्या क्षमता किस कंपनी की चीजों के अनुसार है, आप और हमें भी पता है कि किस चीज की वृद्धि किस अनुसार होती है, ये हम सबको पता है। पर हमारी मनसा बाजार के गिरावट से अपने जो पोर्टफोलियो को रेडता की तरफ है उससे खो देती है, तो हम भूल जाएंगे कि टाटा मोटर्स भैया क्या ब्रांड है, क्या ब्रांड की उसकी विदेशों में धूम मचाती है, क्या देश के अंदर वो ईवी कारों के लिए सरताज बनाने की चीज़ों के साथ है, कहीं प्लांट खोलने की नीतियों के साथ है, और ईवी सेक्टर में छाने की ओर है टाटा मोटर्स। तो भैया अगर हम किसी भी कंपनी का, मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि आप लो देखें तो लो से भी काफ़ी ऊपर कंपनी आपको मिल रही है। अगर हम टाटा मोटर्स का ही लो देखें तो 641 रुपए का लो था और 1179 यानी 1180 रुपए करीब का इसका एक साल का हाई था। इस वक्त कंपनी का शेयर 824 रुपए का चला, यानी करीब करीब अपने हाई से 355 रुपए गिरा हुआ है। पर यहाँ वो लोग परेशान हैं जिन्होंने ऊपर के रेट पर खरीदा है। मैंने आपको हर बार कहा है कि शेयरों के अंदर, अच्छे शेयरों के अंदर जो भी गिरावट हो रही है ये तो आपको खुद को समझाना है, ये आपको कोई नहीं समझाएगा क्योंकि समझाने वाले आपको समझा के जा चुके हैं पहले। भाग रहा है तो खरीदवा रहे हैं, गिर रहा है तो बिकवा रहे हैं, नीतियां नहीं कोई समझा रहा है कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव भी होता है। तो मेरे से किसी ने पूछा कि सर क्या टाटा मोटर्स के अंदर क्या हम अपनी होल्डिंग को बना लें? भैया मैं कौन होता हूँ बताने वाला कि होल्डिंग बना लें, मैं तो न्यूज आती है
न्यूज के अनुसार आपको चीजें बताता हूं कि भैया इस कंपनी में ये न्यूज आ गई, इस कंपनी का ये वर्क है। उतार चढ़ाव तो किसी को पता ही नहीं होता, मैं आपको एक चीज बता दूं, उतार चढ़ाव किसी को नहीं पता होता। हमारे अपने बच्चे के बारे में हमें नहीं पता है कि भैया वो स्कूल में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तो उसकी क्वालिटी उसका रिजल्ट बताएगा। तो उतार चढ़ाव हर एक मनुष्य के अंदर आएंगे, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। अच्छा, एक वीडियो मैंने डाली है आज अपने एक सब्सक्राइबर के पास में गया, उनकी मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी है, तो लाइव वीडियो मैंने डाल दी है अपने डीप सर्च 6 में, और जिनको भी अपने DOB के बारे में यानी डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिखवाना है वो दिखा सकता है। तो वो रणनीति भी हम शुरू कर रहे हैं। तो भैया किसी को नहीं पता कि बाजार यहाँ गिर जाएगा, बाजार वहाँ से भाग जाएगा, सबको अपने अपने बारे में पता है। तो उस रणनीति को समझिए कि आपको बाजार को देखना किस तरीके से है। सबसे पहला नियम यही है कि हमें देखना किस तरीके से बाजार से है, क्या पैसे लाकर एकदम से अमीर बनने की स्थितियों के साथ देखना है या फिर अलग अलग स्थितियों के साथ देखना है कि भैया काम क्या है कंपनियों के, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, देश विदेशों में क्या हो रहा है, उन सारी रणनीतियों को आपको समझना है। सुजलोन भी आज गिर रहा है, वोडाफोन आइडिया भी बीच में रंगीनता दिखाई, उसके बाद भी नीचे गिरा है। अभी सारे शेयरों ने 2-3 दिन आपको रंगीनता दिखाई, सारे शेयर ही काफ़ी गिरे हैं। और यकीन करना, जब शेयर गिरते हैं तो वो 2-4 दिन के अंदर ही अपने लो की तरफ बढ़ जाते हैं, पर जब शेयर भागते हैं तो वो भागने में बहुत समय ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी शेयर आज इतने नीचे गिरे हैं उनको उस मुकाम पर जाने के लिए सालों लगे हैं। और कल ही मैंने आपको सुशील केडिया साहब की चीज़ें भी बताई है कि बाजार को सबकी अलग अलग रणनीतियों के साथ भी आपको चीज़ें देखनी है। कुछ लोगों ने बोला कि सुशील केडिया साहब हो या फिर पहले भसीन साहब जी ऐसे ऐसे कुछ बोलते थे, भैया हमने उनकी वो नीतियाँ नहीं पकड़ी, हमें शेयरों को खरीदना है, हमने तो वो नीतियाँ पकड़ी हैं कि उन्होंने जो बाजार के रुख हमें बताए हैं वो तो कभी ना कभी आगे जाकर होंगे, ये तो नहीं कहा कि उन्होंने कल होंगे। तो सारी चीज़ों को आपको समझना है, बड़े बड़े एनालाइज करने वाले उनके एनालाइज को समझना, करना उनकी तरह नहीं है आपको। चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए बहुत कुछ अच्छा होता जाएगा। रेड ही रेड, सारा लाल लाल ही लाल दिख रहा है भैया। GTL इंफ्रा देख लो, सुजलोन देख लो, HDFC बैंक देख लो, पटेल इंजीनियर देख लो, बड़े बड़े शेयर देख लो, सबके अंदर चीज़ें ही अलग लग रही हैं कि भैया बाजार में इतनी गिरावट। कुछ लोग कह रहे हैं भैया आगे भी गिरावट हो सकती है, तो इन्वेस्टमेंट करना हर एक के बस की बात नहीं है, ये आप समझ लेना। इन्वेस्टमेंट करना सच में लाजमी हर एक के बस की बात नहीं है, और जिनके बस की बात हो गई वो आज उसकी नीतियां समझते हैं, गिरावट की नीतियां समझते हैं, डिविडेंड की नीतियां समझते हैं। तो सुधार तो भैया जिस दिन हम अपने में ही खुद करने लग गए, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ना हमें पड़े, तो तब जाकर कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, क्या अमेरिका का चुनाव जो हो रहा है ये भी इफ़ेक्ट भारत के बाजार में डाल सकता है? देखो, तो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव है, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो हैं उम्मीदवार हैं, और जो भी कोई जीतेगा उससे भारत के बाजार में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। क्योंकि चुनावी चीज़ों के अनुसार अमेरिका संरक्षणवादी नीतियों को या अपनी वृद्धि या फिर रोजगार की चीज़ों को, जो भी नीतियां वो बनाता है, इससे विशेषज्ञ कह रहे हैं भारत और अमेरिका के व्यापार में चुनाव कौन जीतेगा इसका प्रभाव पड़ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अगर जीते निगेटिव असर डाल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी विनिर्माण की नीतियाँ जो भी उनकी हैं, सेक्टर की नीतियाँ हैं, उसके अंदर क्या वो चीज़ें कर सकता है क्या नहीं कर सकते हैं अमेरिका, ये उनकी संरक्षणवादी जो नीतियाँ होंगी उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ये चुनाव जो राष्ट्रपति का अमेरिका में हो रहा है, लाजमी भारत के अंदर विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो निगेटिव और असर डाल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, इन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। JSW इंफ्रा भारत की दूसरे नंबर की बंदरगाह की बड़ी कंपनी है, पहले नंबर पे अडानी पोर्ट है। चीज़ों को जिस दिन हम समझते गए कि ये जो उतार चढ़ाव तो भैया एक सबके साथ ही हो रहे हैं, पर उस वक्त भी ये न्यूज आ रही है, जिस वक्त गिरावट हो रही है,
कि 80,000 करोड़ रुपए के विस्तार की योजना, पूंजीगत व्यय की योजना, भारत की दिग्गज दो बड़ी बंदरगाह कंपनियां अपने विस्तार की क्षमता बढ़ाने के लिए चीजें कर रही हैं। 2030 तक के JSW इंफ्रा 30,000 करोड़ रुपए अपनी कार क्षमता बढ़ाने के लिए कर सकता है और 50,000 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट कर सकता है। यहाँ लंबे समय की चीज़ें आई हैं, पर इन्वेस्टमेंट करने की नीतियों को आप समझना, इन्वेस्टमेंट होता ही दूर की चीज़ों के साथ है। बंदरगाह की नीतियाँ, उससे जुड़े हुए व्यापार की नीतियाँ और भारत की अर्थव्यवस्था की चीज़ें और समुद्री रास्ते से व्यापार का बढ़ना भारत की एक अपनी रणनीतियाँ हैं, जिसके अंदर बंदरगाह एक जो है अहम भूमिका निभाता है। और उससे पहले हमें ये न्यूज़ देखने को जो मिल रही है, 50,000 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट और 30,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय करने की चीज़ों के साथ, पर अपनी क्षमता को विस्तार की चीज़ों के साथ हैं, तो ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि भारत भैया मजबूत है। ये गिरावटें आपको पता ही है कई दिनों से हो रही हैं, बीच में त्यौहार के मौसम में थोड़ी रंगीनता हुई है, उन चीज़ों के अनुसार भी आपको देखने को मिल रहा है। चाइना के बाजार के अंदर FPI अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं और भारत के बाजार से निकासी कर रहे हैं, ये भी चीज़ें कई बार न्यूज़ के अंदर आ चुकी हैं। तो उन सारी नीतियों को समझना है कि किसी के जाने से गिरावट, किसी के आने से बढ़ावट, बाजार के खेल हैं। जितने भी शेयर आज गिरते हुए दिख रहे थे, कुछ दिनों पहले हमें लग रहे थे हमें हारे हाथ से निकल गए, भागते हुए शेयरों में हम राजा बन रहे थे, गिरते हुए शेयरों में हम सोच रहे हम कहाँ फंस गए। इन सारे माहौल से हमें निकलना पड़ता है, तब जाकर कोई अच्छा एक इन्वेस्टर बनता है। तो ये बाजार की रणनीतियां, जैसे विजय केडिया साहब ने कहा है कि न्यूज को ज्यादा से ज्यादा भापें, हम भी वही वर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा हम ना देखें और इन्वेस्टमेंट की तरह ही बढ़ाएं, और किसी की बातों में टिप्स या किसी भी चक्रों से हमें बिल्कुल भी नहीं आना है। इन नीतियों के साथ भी हम आगे की तरफ बढ़ें, है ना, क्योंकि जब भागते भागते शेयर, चाहे वो कोई से भी शेयर हो और लोग उस पर अपनी उमंगे जगा रहे हों, उस वक्त तो सही, पर आज गिरते हुए क्या वो उमंगे सारी खत्म हो जाती हैं? तो जीतना सिर्फ हमें खुद को खुद से ही पड़ेगा, और किसी की नीतियों से हम जीत नहीं सकते, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो ये सारी रणनीतियाँ JSW इंफ्रा और अडानी पोर्ट की जो मैंने आपको बताई है। तो सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, कि राकेश झुनझुनवाला जी जब पहले थे तो भैया उनकी कौन कौन सी कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट है, या उनकी वाइफ का आप किस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या राधा कृष्ण धमानी जी किस में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, या बड़े बड़े इन्वेस्टर बाहर के देश के अंदर कौन सी कंपनियों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा रहे हैं, या फिर देश के दिग्गज इन्वेस्टर शंकर शर्मा हो या फिर हमारे स्टार इन्वेस्टर जो हैं विजय केडिया साहब, वो कौन कौन सी कंपनियों में अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो उन नीतियों के साथ अगर हमारी खरीदारी किसी भी कंपनी के अंदर जाएगी, मुझे लाजमी लगता है वो हमारी नीतियाँ नहीं होती, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे से किसी बड़े व्यक्ति ने किसी कंपनी के अंदर स्टेक लिया और अब लगा कि भैया वो सब कुछ अच्छा हो गया। क्या मैं किसी कंपनी के अंदर कोई स्टेक लूँगा, मान लो मैं ले रहा हूँ और आपको वो पता लग रहा है, आप भी वही शेयर ले रहे हो, क्या आपने मुझे रोका कि मैं कब बेचूं ना बेचूं? आपको पता है मैं अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करूंगा, आप अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे। ये बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं, ये भी अपने प्रॉफिट के लिए कुछ करते हैं अपने द्वारा, कि आपकी मेरी नहीं सोचेंगे कभी भी। ध्यान रखना एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े लोग अपने को अमीर करने में तो लगे हैं, आपको अमीर करेंगे? सबसे पहले ये चीज बताओ आप। हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है कि भैया विजय केडिया साहब का पटेल इंजीनियरिंग शेयर, उनके नाम से जुड़ जाती है चीज़ें और वो फिर शेयर भागने शुरू हो जाते हैं। तो उस रणनीतियों से बचना है कि अगर बड़े इन्वेस्टर ने कोई भी एनालाइज करके अपनी टीम के द्वारा किसी भी कंपनी के अंदर शेयर लिए, तो इसका माध्यम ये नहीं कि हम उसको रोक लेंगे, भैया आप मत बेचना, मेरा भी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, नहीं तो शेयर गिर जाएगा। कैसे करते हैं, कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। पर जब वो खरीदते हैं उसके कई दिन तक के न्यूज चलती है और शेयर भागता रहता है, पर जब वो बेचकर निकलते हैं तब तो ज़्यादा हमें हल्ला नहीं होता, पर शेयर बराई गिर जाता है। तो सर दिग्गज हमारे विजय केडिया साहब अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों से आगे निकल रहे हैं, मतलब कि वो चाइना की तरफ भी अपना रुख कर रहे हैं
और करीब अपने पोर्टफोलियो का 2-3% उन्होंने पहले ही निवेश करके जा चुके हैं चाइना में के शेयरों के बाजार में। दूसरा वो सोच रहे हैं कि उनका इरादा आगे 5% करने का भी, इस तरीके का अपनी पूंजी निवेश करने की चीज़ों के साथ वो सोच रहे हैं। यहाँ से क्या चीज़ निकली, अब अगर हेडिंग ही पढ़ें हम द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया का, अगर हम ये न्यूज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, हेडिंग ही पढ़ें तो वहाँ स्टार इन्वेस्टर विजय केडिया ने पटेल इंजीनियरिंग के शेयर बेचकर चाइना के बाजार में अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। ये एक एक इन्वेस्टमेंट की चीज़ें जो आ रही है चाइना की तरफ से आ रही। तो चीन की मार्केट में जब विजय केडिया साहब ने अपना 2-3% अपने पोर्टफोलियो का पूंजी का किया, दिशा क्या दिख रही है इससे, इससे दिशा दिख रही है विजय केडिया साहब आपके और मेरे लिए नहीं वर्क कर रहे हैं, वो अपने लिए वर्क कर रहे हैं। अच्छा फिर मैं स्कीनर पर जाता हूँ, पटेल इंजीनियरिंग सर्च करता हूँ तो मुझे वहाँ पर होल्डिंग में विजय केडिया साहब की होल्डिंग नहीं दिख रही है। ये आपको भी नहीं दिख रही है तो आप भी मुझे बताना, मैं चेक कर रहा हूँ फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। पर मेरा माध्यम ये है कि जो भी इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर जो भी हैं, अगर वो बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो इसके अंदर दिल हमने लगाया है, उन्होंने नहीं लगाया है, वो अपने वजूदों के साथ काम करते हैं। FPI भी तो यहाँ से निकल कर चाइना की तरफ चीज़ों के साथ जा रहे हैं, ये भी तो न्यूज़ है ना। पर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमें इस ओर आकर्षित करती हैं कि भैया उसने लिया तो मैं भी लूँगा, उसने बेचा तो मैं भी बेचूँगा। ये नीतियाँ हमारी गलत हैं। हम किसी भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर खरीदने और बेचने की चीज़ें तो वो भी नहीं बोल रहे ना कि भैया मैंने खरीदा तुम भी खरीद लो, तुम भी अमीर बन जाओ। भैया वो खुद को अमीर बनाएंगे, हम खुद को बनाएंगे। ये रणनीतियों को आपको समझना है ना। तो ये आज आपको समझना है कि उन्होंने पटेल इंजीनियरिंग और अन्य कुछ शेयरों के सेल करके अपनी नीतियों को चाइना की मार्केट में लगाया और आगे भी उसके साथ वो बढ़ने की सोच रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि वो चीज़ें आपको पता लग रही हैं जिस चीज़ों के अनुसार आप एक प्रोग्रेस की तरफ हैं, और वो प्रोग्रेस है न्यूज़ के भांति अपने ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाना। जिस दिन आप ये चीज़ें समझ जाएं, उस दिन आप इन्वेस्टमेंट का तरीका समझ जाएंगे। आज HDFC बैंक उठा लो, L&T उठा लो, गिर तो रहे हैं पर उठे कहाँ से हैं, कितना समय लगा है, उन समय की नीतियाँ भी आपको समझनी पड़ेगी। कल तक के कोई हमें टाटा मोटर्स अच्छा बताकर चीज़ें बता रहा था, आज वो गिर रहा है तो हम उसे खुद ही बेकार बता रहे हैं। तो वो भी नीति आपको समझनी है कि कोई भी शेयर सिर्फ उसके शेयर प्राइस के गिरावट और उछाल से हमें नहीं भापना है, वर्क से भापना है। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे तो होंगी, वहाँ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता कि उसको किस तरीके से हम समझ लें और समझ जाएं कि भैया कल से शेयर भागेगा। नहीं, यहाँ अपने वजूदों को संभालना हमें पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी के टिप्स में हमें वर्क नहीं करना है। हमारा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। आज तक के हमने किसी को ये नहीं कहा कि इसे आपको खरीदना है, इसे आपको बेचना है। न्यूज़ जो भी आ रही है उस चीज़ को मैंने आपको समझाया, चाहे वो वोडाफोन आइडिया में न्यूज आ रही हो, सुजलोन एनर्जी में आ रही हो, GTL इंफ्रा में आ रही हो, या बड़े बड़े शेयरों में आ रही हो, बाजार में आ रही हो, उन सारी न्यूज़ को हमने प्रस्तुत किया है और उसे समझाने की पूरी भरपूर कोशिश की है कि यहाँ कंपनी के काम से हमें वाकिफ होना है, ना कि उसके खरीदने बेचने की चीज़ों से वाकिफ होना है। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि किसी भी कंपनी के शेयर ले लिए तो उसके हम पार्टनर से बन गए, तो पार्टनर भी लॉस भी देखता है भैया, पार्टनर प्रॉफिट भी देखता है, दोनों स्थितियाँ आपको देखकर चलनी पड़ेगी। JSW इंफ्रा हो या अडानी पोर्ट हो, दोनों के विस्तार की योजना उनके द्वारा न्यूज में आ गई, ये आप चीज़ को समझना। 5 नवंबर को अमेरिका के चुनाव जो राष्ट्रपति के हो रहे हैं, जिसके अंदर कमला हैरिस और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, विशेषज्ञों को लग रहा है कि उनकी नीतियाँ किस तरीके से भारतीय बाजार के अंदर चीज़ों के साथ हैं, ये भी न्यूज़ मैंने आपको बताई है। चाइना के बाजार में इन्वेस्ट जो केडिया, ये केडिया साहब कर रहे हैं और वहाँ पटेल इंजीनियरिंग या कुछ शेयरों को बेच के कर रहे हैं, वो नीतियाँ न्यूज़ के द्वारा है, वो भी मैंने आपको हिसाब किताब समझाई हैं। टाटा मोटर्स की नीतियाँ भी आपको शायद समझ में आ गई होगी, हमें उसके वर्क को जानना है, काम को जानना है ना। तो उन नीतियों को आपको समझकर चलना है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालिसिस को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़ के शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।